बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के सिलसिले में, इसका सातवां एमसीक्यू के सिलसिले का लेक्चर है और ये शुरू करने लगे हैं। ये लेक्चर दो जगह ये फ़ायदेमंद है। एलएलबी फोर ईयर फाइव ईयर क्लास जो है, और थ्री ईयर जो क्लास है उसका एलएलबी टू में ये फ़ायदेमंद है, अगर एमसीक्यू पर मबनी पेपर हुए, ऑनलाइन हुए। तो हम शुरू करते हैं, और जहां कोई ज़रूरत है, इसमें एक और भी हमने किया है कि आपकी हाज़िरी लगाने का एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि कौन लोग वाच कर रहे हैं, कौन नहीं। तो एक आध एमसीक्यू ऐसा होगा जो हम खाली छोड़ेंगे, उसका जवाब, और फिर उसके मुताबिक आपने उसके अपना ज़ाहिर नाम भी आपका साथ ही होगा, तो वो साथ आप व्हाट्सअप करेंगे, वो हमारे यू का जो नंबर है। तो नंबर दोबारा नोट कर लें जिनके पास नहीं है, 0337864481001। तो इस पर आपने उस एमसीक्यू का दुरुस्त जवाब देना है। उसका फिर अगले लेक्चर में हम उसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो वजाहत भी करेंगे, और फिर हाजिरी का भी जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तो इस सिलसिले में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 70 ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आल माइटी अल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नन ऑफ अबव। तो जवाब दुरुस्त है, आल माइटी अल्लाह। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन authority enjoyed by the peoples of Pakistan within limits prescribed by Almighty Allah as sacred, आगे option है हमारे पास, trust, right, duty, none of the above। तो trust, sacred trust का लफज है यहाँ। उसके बाद question number हमारा 3 है, objective resolution prescribed that the state shall exercise its powers and authority through dictators, elected representative of people, both A and B, none of above। तो ये तो बहुत ही अच्छी तरह आपको बताया है कि इसका जवाब है elected representative of peoples। तो उसके बाद next question है 4 हमारे पास, objective resolution suggests that the Muslims of Pakistan shall unable to order their lives, आगे ऑप्शन है सेकुलर, एज पर टीचिंग ऑफ इस्लाम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ। तो ये भी आपके जहन में बहुत अच्छी तरह होगा, बी जूस एज पर टीचिंग ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मिनॉरिटी शैल बी मेड फ्री टू सर्व देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन, bound to serve their lives according teachings of Islam, to serve their lives according to government policies, none of the above। तो इसमें आपका दुरुस्त जवाब होगा, free to serve their lives according to their own religion। Question number 6, according objective resolution and resolution independence of the जुडिशरी शैल बी अटैच्ड है, इसमें फुल्ली स्कोर्ड है, डेवलप्ड है, नन ऑफ द अबव है। कौन सा आंसर इसका दुरुस्त है, फुल्ली स्कोर्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिमांडेड दैट पाकिस्तान, ए ऑप्शन है हमारे पास, शैल प्ले इट्स पॉजिटिव रोल फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, बी ए प्ले मॉडल रोल फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज, और सी है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जवाब है बोथ ए एंड बी, दोनों जवाब दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज सेट एज इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ ये इसे शामिल किया गया था, पहले ये था प्रियम्बल में, उसके बाद अनेक्सर एक ऑप्शन था फर्स्ट डूल, तो प्रियम्बल में इसको पहले रखा गया था, 56 में भी प्रेम्बल में था, उसके बाद भी प्रेम्बल में ही रहा है।
लेकिन जब 73 में था तो फिर बाद में ये अब आर्टिकल का बकायदा ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और उसका एक लाजमी हिस्सा है, इसलिए अब ये प्रीएम्बल वाली बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन यहाँ तीनों ऑप्शन में से प्रीएम्बल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी बहुत अच्छी तरह हर स्टूडेंट को याद होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटोरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज किस पर मबनी है, द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, फेडरल कैपिटल एरिया एंड फाटा। और बी है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध एंड फाटा। और लास्ट है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो जवाब इसका दुरुस्त है ए हमारा, द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, फेडरल कैपिटल एरिया एंड फाटा। इस्लामाबाद टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज प्रोवाइडेड इन कौन से आर्टिकल में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1, 2 या 2A? तो आर्टिकल 2 में ये बयान किया गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पार्ट में है, कोलैबोरेटिव है और सब्सटेंसिव है। ये मेरे हाल सी जूज आप इसका दुरुस्त समझेंगे, सब्सटेंसिव लॉ है। उसके बाद है द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज दैट, वो क्या है, ही मस्ट बी फेथफुल पर्सन, ही मस्ट प्ले क्रिएटिव रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट बी लॉयल्टी ऑफ पाकिस्तान। मस्ट, ये सी हमारा दुरुस्त है, मस्ट बी लॉयल टू पाकिस्तान, लॉयल्टी इज टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज बेसिक ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज प्रोवाइडेड इन, कहाँ प्रोवाइड किया, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ बयान की गई है, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एनी पर्सन हु अब्रोगेट आर सबवर्ट्स आर सस्पेंडेड आर हेल्ड इन अबेंस आर अटेम्प्ट आर कंस्पायर टू अब्रोगेट आर सस्पेंड आर हेल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाई यूज ऑफ फोर्स आर शो ऑफ फोर्स आर बाई एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई टेरिज्म, फेलोनी, सडिशन। तो ये भी ये मशहूर केस, मुशर्रफ केस आपके सामने है, ये हाई टेरिज्म का नवाज शरीफ दौर में हुआ था और वो कुछ अर्सा चला, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर वो अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो ये था जिसमें ये भी था कि ये सिर्फ जिसने एब्रोगेट किया आइन सिर्फ उसे हो या उसके तमाम साथियों को, तो चूंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी कंस्पिरेसी में शामिल होंगे तो वो सारे भी होंगे, इसलिए वो ज़्यादा मसले फैल गए और वो केस नहीं चल सका, लेकिन ये हाई टेरिज्म में शुमार होगा। एज पर आर्टिकल 6(3) इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई टेरिज्म, मजलिस शूरा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, नन ऑफ अबव। इसका जवाब आप पर है, ये आपने इस को सुनने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और ये इसका दुरुस्त जवाब भेजने, हाजिरी भी हो जाएगी और आपकी दिलचस्पी का भी अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में, 7, 8, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो 7 इस सिलसिले में है, 18 नंबर है आर्टिकल टू
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर प्रोवाइडेड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, कहाँ से कहाँ तक हैं, 18 से 28 तक, 29 से 40 तक, 28 to 38, तो ये दुरुस्त जवाब है 29 to 40, बी जूस। उसके बाद है आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिस्क्राइब एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन टू बी इलीगल, टू बी वैलिड। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है, टू बी वॉइड, वो वॉइड हो जाएगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ आर लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो इसका जवाब है दुरुस्त के आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, कौन से करते हैं, 8 से 28, 8 to 30, 8 to 32, तो फंडामेंटल राइट कहाँ में, 8 to 28, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। उसके बाद है एनी राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कॉल्ड नेशनल राइट, इनहेरिटेंट राइट, फंडामेंटल राइट। तो ये भी अब असला आपके सामने है, फंडामेंटल राइट में शुमार होगा। सेफ गार्ड एस टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इन इज प्रोवाइडेड इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब यहाँ लिखना है आपने आर्टिकल, आर्टिकल 8, आर्टिकल 10, आर्टिकल 12, डिटेंशन के खिलाफ ये आर्टिकल 10 है। उसके बाद है आर्टिकल 10 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आप कहेंगे कि राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल इज राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फंडामेंटल राइट है ये, इनहेरिटेंट है, नेचुरल है। तो ये तो आपके सामने है, फंडामेंटल राइट है। स्लेवरी फोर्स्ड लेबर ETC आर प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल, आर्टिकल बताना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आपका आ गया 11 का नंबर है आर्टिकल का। उसके बाद आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिज्म इलीगल डिटेंशन रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव से मुराद है कि मुसर बा माजी, के माजी पर किसी तरह बनाया हुआ कोई कानून माजी की किसी तरीके से नाफज नहीं हो सकता, उसे सबका तरीके से नाफज नहीं कर सकते, जिस तरीके को कानून बने उस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी और ऑनवर्ड चलेगी। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उससे पहले कानून बनने से पहले के जो अरसों में कवानीन हुए वो पुराने कवानीन के तहत डील किया जाएंगे। ये तहफ़ दे रहा है आपका आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट फ्रॉम इलीगल अनफेयर ट्रायल डबल पनिशमेंट। जियोपर्ट्री का आपने लफ्ज सुना होगा, डबल जियोपर्ट्री का लफ्ज बोला जाता है, कि सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है कि आर्टिकल 13 जो है ये तहफ़ देता है डबल पनिशमेंट से, एक ही केस में एक ही काज ऑफ एक्शन हो, एक ही तरह के वाकयात हो तो दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता, दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, तो डबल पनिशमेंट वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, एज नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस इन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 है, 14A है, 14(2) है, तो प्रोवाइडेड इन आर्टिकल हमारा हो गया 14(2), सी ऑप्शन हमारा जो है दुरुस्त हुआ कि उसे सजा देकर तशद्दद करके उससे शहादत हासिल नहीं की जा सकती। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट स्कूलिंग मूवमेंट के बारे में आर्टिकल 15
फ्रीडम ऑफ असेंबली इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, अब इसका आर्टिकल लिखना है 15 है, 16 है, 121 है, तो ये आपका है 16, सी ऑप्शन आपका। तो उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर फ्रीडम ऑफ, अब उसके बाद आपने सेक्शन बताया हुआ है, इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, असेंबली है, एसोसिएशन है, नन ऑफ द अबव है, तो ये बी दूसरा है, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17। उसके बाद आ गया जी आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील विद, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आ गया, और बताना हमने है कि किसके बारे में आर्टिकल 18 बात करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बोथ ए एंड बी, और बी हमारा दुरुस्त है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 34, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ इन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, आर्टिकल बताना है आपने आप दी 18, 19, 19A, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है 19A। और क्वेश्चन नंबर 35 है आर्टिकल, इसमें भी बताना है कि प्रोवाइडेड सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि किसी मजहब के हवाले से कोई टैक्स लगाया जा सकता है उसके खिलाफ कोई तहफ़ आया, तो ये भी आपका आर्टिकल जो है वो 21 डील करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल, उसका नंबर बताना है 22 है हमारे पास, ऑप्शन 23 है, 24A है, तो दुरुस्त ऑप्शन है 24A, जो प्रॉपर्टी से तहफ़ के बारे में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ये फिर एक आर्टिकल बताना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, और ये आपका आर्टिकल है 25, कि तमाम लोग जो हैं सिटीजन हैं वो बराबर हैं कानून के सामने। 38 है, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, मैरिज, मदर एंड चाइल्ड एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 28 है, 35 है, 36 है, तो जवाब दुरुस्त है आपका आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आज का MCQs के सिलसिले का लेक्चर है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 जो ये मैंने खाली छोड़ा है उसका जवाब आप देंगे और अपनी हाजिरी भी यकीनी बनाएंगे। तो ये क्लास 4 के लिए ये MCQ है, ताकि वो पता चले 5 ईयर प्रोग्राम का क्लास 4 जो है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।